भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान और इसराइल के लिए एक अधिसूचना जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह दी है कि अगली सूचना आने तक ईरान और इसराइल की यात्रा ना करें। विदेश मंत्रालय ने उन सभी भारतीयों से भी अनुरोध किया है जो वर्तमान में ईरान और इसराइल में रह रहे हैं, वो तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को कम लोगों के साथ ही साझा करें। विदेश मंत्रालय का ये फैसला इसराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण आया है। आकांक्षा है कि इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध में ईरान इस युद्ध में कूद सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए उसके इलाकों में हमला किया था, जिसके कारण हमले में 1200 से ज़्यादा इसराइलियों की जाने गई थी। इस दौरान हमास लड़ाके 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। वहीं इसराइल के जवाबी कार्रवाई में 25,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के 24 लाख लोगों में से 19 लाख अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, उनमें आधे बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। इसके लिए इजरायली सेना ने गाजा में हवाई और ज़मीनी हमले किए। इस तरह से हमास और इसराइल के बीच बीते 6 महीने से खूनी संघर्ष जारी है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इससे दूतावास का एक खंड पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वहीं ईरान के 2 शीर्ष सैन्य जनरल और 5 अन्य अधिकारी भी मारे गए थे। इस हमले का ईरान इसराइल पर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही उसने इस हमले की प्रतिक्रिया देने की बात कही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि इसराइल को सजा दी जानी चाहिए। उस पर इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान हमला करता तो हम कड़ा जवाब देंगे। चेतावनी को देखते हुए इजरायल में गुरुवार से ही हाई अलर्ट पर है। ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए ताकि वो हमलों की चपेट में न आ जाए। अमेरिका ने भी ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा हमला किए जाने की चेतावनी दी है। हमले की संभावना को देखते हुए मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनाव बढ़ गया है। वहीं हाल ही में इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के सभी जवानों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई की बात करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को इसराइल को अपने समर्थन के लिए दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा, ईरान और उसके सहयोगियों से इन खतरों से इसराइल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। हम इसराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे।